करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन डिस्क्राइब करना पड़ेगा ऑन द अदर पार्ट, ऑन द अदर हैंड, राइट. सो नाउ वी प्रोसीड टू द मोड बाय विच वी सॉल्व अ सेकंड ऑर्डर और वी ट्राई टू गिव सम पॉइंट्स रिगार्डिंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अच्छा, एक चीज मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये सारी स्लाइड्स जो जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई बुकिश लैंग्वेज लिखी होती है. कोई बुक के ऊपर कोई चीज आपको डिस्क्राइब की जाती है तो जाहिर है पूरी बुक नहीं पढ़ते आप, सिर्फ एक मेन पॉइंट को वहां से निकालते हैं और आप उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं. इसीलिए मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा पॉइंट पे जाऊंगा. एंड द पॉइंट इज, If you see this slide number 8, a second order differential equation has been given. If you see minutely, a y double prime plus b y prime plus c y equals 0. If you see this block, right? And what they are saying about this, this is basically the standard form of a second order linear differential equation, in which you get non-zero functions a, b, and c, and in this point of time they have given a, b, c a constant identity, like a, b, and c all are constants. So we have some constants like a, b, c, then we have derivatives. In the first term we have a second derivative, in the second term subsequently we have a first derivative, and in the last term we have the function y, and on the other part you have that non-homogeneous property or behavior of this differential equation. So this is the standard form of a second order linear differential equation. Now the thing you need to streamline is how to solve a second order differential equation. Have you ever heard a characteristic about characteristic equation? Kabhi kisi ne ye word suna hai, characteristic equation? No sir. Acha, agar aap mein se kisi se ye pucha jaye ki bhai first order differential equation jo hai usko aap linear bolenge aur second order differential equation ko aap quadratic bolenge, तो व्हाट चेंजेस यू नीड टू डू. मैं आपसे बोलूं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आज के बाद कोई लीनियर इक्वेशन होगी और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए. आंसर्स मैं आपसे बोलूं कि आज के बाद आप ये समझिएगा कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको चेंजेस कहां पे करनी होंगी और किस तरह करनी होंगी. सर पहले दफा स्क्वायर लगाएंगे आई थिंक. बिल्कुल. अच्छा पहले, वेरी गुड फेयर इनफ. अगर आप पहली टर्म के अंदर अगर आप ये बोल दें कि भाई ये जो y डबल प्राइम लिखा हुआ है मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं एज x स्क्वायर, ठीक, उसके लिए मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट आई ट्राई टू डू. देखिए हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड व्हाट कन्वीनिएंटली वी आर डूइंग इज टू थिंक एज इफ इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके इस बिहेवियर से कि भाई ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इस बिहेवियर में लाना पड़ेगा उसको एज इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को स्क्वायर समझना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को x समझना पड़ेगा और y को कांस्टेंट समझना पड़ेगा. गेटिंग इट? यस. गुड. अच्छा इसको बहुत और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना एक और स्लाइड में बताया गया है, मैं आपके सामने वो स्लाइड रखता हूं या चले शायद अगर इसी में आपको ये बात समझ में आ जाए. आप देखेंगे उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, गौर से देखिएगा जरा. उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि भाई ये जो y डबल प्राइम है ये बेसिकली आज के बाद क्या क्या ट्रीट किया जाएगा, r स्क्वायर्ड. अच्छा ये जो आगे चीज लिखी हुई है e टू द पावर r x, दिस इज पार्ट ऑफ द फंक्शन.
जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट विल बी कंसिडर्ड r, यानी r पावर 1, दिस y डबल प्राइम विल बी कंसिडर्ड r पावर 2, एंड सिमिलरली व्हाट y विल बी कंसिडर्ड r पावर 0, कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया ना, r पावर 0 का मतलब कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक और स्लाइड में लिखा गया है, मैं वो स्लाइड आपसे शेयर करता हूँ। ये आपके सीआर साहिबान, ये लोगों को बोला करेंगे ना, ये पहले क्लास ज्वाइन किया करें, अभी ये सब आते जा रहे हैं और पता नहीं क्या समझेंगे, ये कुछ समझ में आने वाली चीज नहीं है। अब मैं आपके सामने एक और स्लाइड रखता हूँ, उसमें देखिएगा जरा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। वी आर कमिंग टू स्लाइड नंबर 0, तो ऑटोमेटिकली अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू A quadratic equation. अच्छा, why we are doing this? यानी मैंने आपसे ये अर्ज किया है कि एक second order differential equation को, मतलब at this point of time the only thing is to see how to solve a differential equation. मैं नहीं कह रहा कि इसकी property क्या होती है, इसकी applications क्या होती हैं, वो बात की कहानी है जब हम इसके models पढ़ेंगे। इस time पे हम सिर्फ और सिर्फ ये consider कर रहे हैं कि एक second order differential equation can characteristically be a quadratic equation. ठीक? Now, what is your information about a quadratic equation? And I am talking about its solution. मुझे कोई बता सकता है कि quadratic equation के solutions किस तरह से होते हैं और कितनी type के होते हैं? Sir, एक तो formula होता है minus b plus minus under root b square minus. आप मुझे quadratic formula बता रहे हैं, मैं direct solution पे पहुंच चुका हूँ। आपने अगर quadratic equation पढ़ी है तो उसके कितने types के solutions होते हैं? दो फैक्टर्स होंगे। ये जिन साहब का ये चल रहा है, बंद कर लें इसको। अच्छा जी, मैं आपसे कहता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, या तो वो इसके जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या वो रियल और इक्वल होंगे, या फिर वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटर वगैरह किया होगा सबने माशाल्लाह, तो आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो सॉल्यूशंस भी होते हैं तो वो तीन टाइप्स के होते हैं और तीन तरह के होते हैं। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल और डिस्टिंक्ट होता है, जिसको आप कहते हैं रियल एंड अनइक्वल, राइट? वो कब होता है, याद है किसी को? जब दोनों आंसर जीरो से बड़े हों, ऑब्वियसली जब दोनों आंसर्स जो है वो जीरो से बड़े होना भी जरूरी नहीं है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर दोनों आंसर्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये आप ये कंडीशन पढ़े। For example, if अच्छा now we came out of the concept of differential equation. अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? Direct quadratic equation पे। Now if you see this slide, सबको नजर आ रहा है? Yes sir. अच्छा जी, if you see this slide, a general solution using the quadratic formula on the characteristic equation. अब यहाँ पे उन्होंने general formula लगाया, quadratic formula लगाया। If we are not using quadratic formula, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ता है बाय मिडिल टर्म ब्रेक और बाय लाइक दिस फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए, जिसमें ये जो पार्ट होता है रूट के अंदर, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल, यू गेट द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राइट? इफ दैट डिस्क्रिमिनेंट गेट जीरो, यू गेट सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
एंड इफ दैट डिस्क्रिमिनेंट इफ दिस डिस्क्रिमिनेंट गेट्स जीरो सॉरी लेसर देन जीरो यू गेट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन. सबको समझ में आ गया और सबको याद आ गया? यस सर. यस सर. इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की भी तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. पहला सॉल्यूशन क्या होगा? लाइक इफ यू सी दिस थिंग कि भाई आपके पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट्स रियल और रिपीटेड हैं, सॉरी रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो यू विल गेट टू सॉल्यूशंस, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको दो एक जैसे आंसर्स मिलेंगे. कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल x माइनस टू होल स्क्वेड, अब सबको पता है कि x माइनस टू होल स्क्वेड को अगर आप फैक्टराइज कराओगे तो यू गेट x इक्वल्स टू एंड टू. इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉनकेव अप इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक, जिसके अंदर दैट लाइन सॉरी दैट इक्वेशन कॉनकेव अप इक्वेशन इज मीटिंग इट्स रिस्पेक्टिव एक्सेस एट x इक्वल्स टू एंड टू, राइट? तो ये सबको पता होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट what we are trying to build is characteristic appearance of a quadratic of a differential equation. ki hum jaise hi differential equation ko quadratic equation bana denge to hum basically uska character hi change kar denge. jab uska character change hoga to fir uska mode bhi change ho jayega ki uska answer hame kaisa nazar aayega. ab it has a derivation, a complete derivation jisko aapko thoda sa समझना है. एंड आई विल नॉट गिव यू कंप्लीट डेरिवेशन. मैं आई वुड रादर प्रेफर टू गो टू द मेन सेट ऑफ स्लाइड्स बिकॉज हमने जल्दी जल्दी इसको निकालना है, वापस आ जाए वहां पे. अच्छा जी, आगे चलें. अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखें, अब आप इसको पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है. previously that was the differential equation a y double prime plus b y prime plus c y equals 0. you replaced the order of the differential equation by a variable, right? a degree of the variable. aapka order 2 tha to variable ki degree 2 ho gayi. aapka order 3 tha to uski jo quadratic equation mein jo वेरिएबल की डिग्री है वो 3 हो गई. अगर ऑर्डर 1 होगा तो डिग्री 1 हो जाएगी. अब आपके पास वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रही. अब आपको क्या मिल गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. एंड इफ यू सी दिस थिंग, इक्वेशन 6 इज कॉल्ड द ऑस्लरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ऑस्लरी का मतलब ही क्या होता है? सेरेमोनियल. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? कि इट विल शो यू कैरेक्टर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? Now we go to the mode of its solution. कि इसका solution हमें कैसा नजर आता है? इसका solution वैसे ही नजर आएगा जैसे कि quadratic equation के दो solutions नजर आते थे. वो कैसे नजर आते थे? कि भाई अगर आपको ये quadratic equation दी हुई है ar squared plus br plus c equals 0, तो इसके roots किसके होंगे? इसमें roots r के होंगे और दो दो roots होंगे. अब दो roots तीन तरह की properties बताएंगे आपको: real distinct, real repeated, and imaginary. Unreal image and complex. So we get two roots like this, and in the cases which we discussed about the quadratic equation, discriminant will distinguish among the cases, either if it is real repeated, real equal, and real distinct and imaginary. गौर कीजिएगा जरा. अगर आपको पहला केस मिलता है, फर्स्ट केस, कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज गेटिंग ग्रेटर देन जीरो, तो आपका सॉल्यूशन होगा ये जो एट्थ इक्वेशन लिखी हुई है. इसको इसको ये जब मैं स्लाइड आप लोगों से शेयर करूंगा ना, तो आपको इसको एज इट इज पढ़ना है. अब इसके अंदर जो अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा कि the roots r1 and r2 of the auxiliary equation ar squared plus br plus c equals 0 are real and unequal, then the general equation of a double prime, a y double prime plus b y prime plus c y
equals 0 will be y equals, अब ये जो टाइप है इक्वेशन की, ये क्या टाइप है, कोई बताएगा कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये कौन सी इक्वेशन है? आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे, किस टाइप का फंक्शन है ये? ग्रोथ का? नो, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि टाइप कौन सी है ग्रोथ में, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये which type of the function it is, is it linear, exponential function, this is an exponential function. तो आपको एक चीज अपने माइंड में बिठानी है, रखनी है, घुसानी है, वो ये है कि whenever you see a second order differential equation, second order linear differential equation, और अगर उसके roots distinct होंगे तो हर वो कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएगी कि जो कि किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होती है. अब वो ग्रोथ भी हो सकती है, वो कोई डैम्पिंग कंडीशन भी हो सकती है. आपको अगर जो है वो कहा जाए कि कोई भी जो एक्सपोनेंशियल एक जो फंक्शन होता है वो किसी टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है. मैंने आप लोगों को शायद ये चीज क्लास में भी बताई थी कि टेम्परेचर जो है वो कभी भी लीनियर नहीं होता, टेम्परेचर का बढ़ना या टेम्परेचर का कम होना. किसी को याद है ये बात? वो बात मेरी जहन में आ रही है? यस सर. क्या बताया था? थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट कीजिएगा जरा. सर, टेम्परेचर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. जैसे जैसे कोई भी चीज रूम टेम्परेचर के करीब आती जाएगी तो उसका एक तो, जैसे अगर कोई चीज गर्म है और रूम टेम्परेचर ठंडा है, यानी रूम टेम्परेचर कम है उस चीज मुकाबले में, जी, तो जी. जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर गिरता जाएगा, और जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर के करीब आएगा तो उसका जो टेम्परेचर गिरने की स्पीड होगी वो कम होती जाएगी. फेयर एनफ, बात समझ में आ गई. तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था, जो आपने बता दिया है कि भाई अगर कोई चीज कूल हो रही है तो कूल होते वक्त भी वो लीनियरली कूल नहीं होगी. ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट में 5 डिग्री कम हो गया. ये हो सकता है कि 1 मिनट में 5 डिग्री कम हो जाए. इट डिपेंड्स ना कि एनवायरनमेंट कैसा है. अच्छा, अगर आप कुछ चीज किसी चीज को हीटअप कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो लीनियरली कोई चीज हीटअप हो रही हो. तो नीदर दैट टेम्परेचर बी लीनियर और ट्रिग्नोमेट्रिक, इट विल बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अ डीके फंक्शन. ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ इक्वेशन जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको उसके सॉल्यूशंस, यानी अगर जो उसकी जो ऑजलरी इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर वो इस तरह से आ रही है कि यू आर गेटिंग डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हमेशा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. अच्छा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. लेट अस टेक अ क्वेश्चन. मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप क्या है. सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर लीनियर है? लीनियर है, लीनियर. जी जी, लीनियर. जी सर, लीनियर. होमोजेनस भी है? यस सर, होमोजेनस. जी सर, होमोजेनस. जीरो है. अच्छा, अब अगर ये लिखा हुआ है एग्जाम में, सवाल आया हुआ है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. अच्छा, ये सवाल भी नहीं आया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये पूछा गया है फाइंड द टाइप, ज्योमेट्रिकल टाइप एंड ऑल्सो द लीनियरिटी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आप क्या बोलेंगे? इट्स अ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक, ओके सर. नाउ यू सी हाउ कुछ पूछ रहे हैं आप. सर, होमोजेनियस को हम ट्रिग्नोमेट्री के, यानी वो उसका है. नहीं नहीं, देखें देखें, दोबारा सुनिएगा. होमोजेनिटी का ताल्लुक जो है ना वो किस चीज के साथ होता है? होमोजेनिटी का ताल्लुक होता है इसके लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने से. दोबारा सुन लीजिए जरा, और ऊपर जाना पड़ेगा. एक मिनट, ये दोबारा सुन लीजिए, ये स्लाइड पढ़िएगा जरा. एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी और वो डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वालिटी क्या थी? जीरो थी, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट जीरो थी. मतलब ये भी मत, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है या नहीं पढ़ा. आपको पता है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है? आप सिर्फ ये समझें कि अगर इक्वालिटी के दूसरी तरफ जीरो है
तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी होमोजीनियस. और अगर ये वाला पार्ट जी ऑफ एक्स जो दैट वाज प्रीवियसली गिवन दैट जी ऑफ एक्स इफ इट इज नॉन जीरो तो ये होगी नॉन होमोजीनियस. ओके ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. क्योंकि देखें पता है जब आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस किए थे तो उसमें उसमें तीन या चार टाइप्स थी. हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो उसकी छह टाइप्स थी और हमने तीन टाइप्स तो हमने मॉर्निंग इवनिंग दोनों में कर ली थी, कम से कम तीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ठीक, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मसला क्या होता है, इन तीन बातों से हम डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, ऑर्डर से, लिनियरिटी से और होमोजेनिटी से. अब इसके जो है वो क्वेश्चन जो एग्जाम में दिए जाएंगे वो इन तीन बातों को देख के दिए जाएंगे कि भाई ये होमोजेनस है, इनहोमोजेनस है. इनहोमोजेनस है तो सॉल्व का होने का करने का एंटायर पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, मैकेनिज्म टोटल यानी देर इज अ वन वे अराउंड डिफरेंस, एक 180 डिग्री का डिफरेंस होता है कि आपने एक इनहोमोजेनस को और होमोजेनस को कैसे सॉल्व करना है. तो आपने सबसे पहली चीज जो देखनी है वो देखनी है इसकी टाइप को, वो देखने में कैसी है. लेट्स कम बैक टू द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपके क्लास के लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं भाई. अच्छा जी, अगेन आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन. जी ये क्वेश्चन दिया था, इसका सॉल्यूशन देखें जरा. इफ वी कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू इट्स ऑक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नजर आएगी आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लाइक यू सी द वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस सिक्स ऑफ वाई इक्वल जीरो एंड व्हेन यू कन्वर्टेड इट इनटू इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन यू आर गेटिंग आर स्क्वेड प्लस आर माइनस सिक्स. यू फैक्टराइज्ड इट बाय अ मिडिल टर्म ब्रेक और बाय एनी ऑफ द मींस, कोई भी कर सकते, मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, हिडन ट्राई मेथड कर दें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें, तो व्हाट यू गेट टू सॉल्यूशंस, आर इक्वल्स टू एंड आर इक्वल्स थ्री. सॉल्यूशंस आर डिस्टिंक्ट. और मैंने आपसे कहा था कि बाय इक्वेशन नंबर एट द फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो आंसर की टाइप क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ यू आर गेटिंग टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई इक्वल सी वन ई टू द पावर टू एक्स एंड प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स. अच्छा ये इसका मकसद क्या है इस सॉल्यूशन का, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू एवरी वन ऑफ यू. अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है तो ये सॉल्यूशन ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. यस सर. अच्छा अब एक काम कीजिए, आप लोग इसी रन टाइम में काम कीजिए, आप लोगों के पास कॉपी और पेन, कॉपी और पेंसिल होगी, ये जो वाई है इसको दो दफा डिफरेंशिएट कराइए और ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा दें, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है. डू इट सर. ये तो फिर से बताइएगा क्या बोला आपने भाई. मैंने आपसे ये कहा है कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके दो रूट थे ना, आर इक्वल्स टू और आर इक्वल्स माइनस थ्री, इसका मतलब आर इक्वल्स टू और आर इक्वल्स माइनस थ्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ऐसे ही है. यस सर. इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दैट वी डिस्कस्ड इन दिस एट्थ इक्वेशन, मैंने आपसे क्या कहा था अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, y equals c1 r1 of x plus c2 e to the power r2 of x. अब r1 और r2 क्या है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है जी, 2 और माइनस 3. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब नीचे जो आपको रूट मिल, जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है y equals c1 e to the power 2x plus c2 e to the power minus 3x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इसका रूट, अगर इसका सॉल्यूशन है तो फिर ये जो वाई है ये ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये पूछ रहा हूँ. जी सर करना चाहिए. तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको दो दफा डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, दो दफा कराना पड़ेगा, यानी वाई वाई विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज माइनस सिक्स इंटू वाई,
y प्राइम की जगह पे क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, y डबल प्राइम की जगह पे क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y. अब आप जरा इसको सॉल्व कीजिए, यानी इस सॉल्यूशन को इक्वेशन नंबर, ये जो सवाल दिया है इसमें जरा सब्स्टिट्यूट करा के देखें ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. प्लीज डू इट इन 2 or 3 minutes. Yes. कर रहे हैं सेटिस्फाई सर? 1 मिनट प्लीज. क्या सर कर रहा है? 0 = 0 आ रहा है. आ रहा है 0 = 0. इसका मतलब क्या है कि दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, नाउ वी गो टू द सेकंड एग्जांपल. ये सियर्स, इस ये स्क्रीन्स जो हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कितने लोगों ने क्लास अटेंड की है. वैसे तो अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, बट फॉर योर ओन सेफ्टी और व्हाटएवर कंडीशन. यस सर, 0 है. 0 आ रहा है? यस सर. ओके सर, थैंक यू. आगे चलते हैं भाई. अच्छा, अब अगर हो जाए 0, केस 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए. सॉरी, मेरी तबीयत खराब है इसलिए खांस रहा हूं. इफ वी कंसिडर द सेकेंड एग्जाम्पल, केस 2, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट गेट 0 फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. ठीक है, रूट्स विल गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट. फिर आप क्या करेंगे, गौर से सुनिएगा भाई. आप देखेंगे कि जो पहली इक्वेशन थी, 8th इक्वेशन और ये 10th इक्वेशन, हियर इट इज, दिस इक्वेशन, इसमें r दोनों डिफरेंट हैं या एक जैसे हैं इन दोनों में? सेम है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जो सॉल्यूशन था उसके, यानी जो, सॉरी, जो उसके रूट्स थे वो रियल भी थे और रिपीटेड भी थे. इसका मतलब आर क्या है, सेम है दोनों केसेस में. 8th इक्वेशन में ये सेम नहीं था. 8th इक्वेशन में एक R1 था और एक R2 था. लाइक इफ यू सी दिस स्लाइड, क्लियर? तो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि R इसमें क्या होता है, रियल और रिपीटेड. अब ये रियल और रिपीटेड होता क्या है, जब हम कहते हैं कि इसके रूट्स रियल और रिपीटेड हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किस चीज के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. इसका मतलब ये आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अगर आप इस आर को 0 कर देंगे तो फिर आपका सॉल्यूशन क्या होगा, c1 + c2 e to the power rx. क्लियर है? यानी c1 + c2. मुझे एक बात बताइएगा, मैंने आपको शायद पहले भी कहा हो कि देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज कि अगर आपके पास दो एक जैसे आंसर आ रहे हैं, एक ही चीज के दो आंसर आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है.
आपको क्या करना पड़ता है, एक आंसर को दूसरे आंसर से अलग शो करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, इस दूसरे सॉल्यूशन के अंदर x मल्टीप्लाई कराया हुआ है। देखिएगा जरा, c1 plus e rx, e to the power rx, plus c2 e to the power rx के से पहले उन्होंने क्या मल्टीप्लाई कराया हुआ है, x मल्टीप्लाई कराया हुआ है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर रियल नंबर्स। कि आपको ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 times 3 6 भी हो, 2 times 3 7 भी हो, या ये हो सकता है कि दो चीजों का एक आंसर मिलता हो आपको, एक चीज के दो एक जैसे आंसर्स, दो अलग अलग आंसर्स नहीं हो सकते, ठीक, या एक आंसर भी नहीं हो सकता, यानी एक क्वेश्चन है और दो आंसर्स मिल रहे हैं, टू आंसर्स, यू आर गेटिंग टू आंसर्स फ्रॉम द सेम क्वेश्चन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको दो एक जैसे आंसर्स मिल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन से डिफरेंट शो करने के लिए आप एक एक्स मल्टीप्लाई कराते हो। और ये एक्स क्या चीज है, ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दैट यू आर गेटिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बात समझने के लिए एक अदद फिजिकल क्लास भी होनी चाहिए थी, मगर अब नहीं हो रही, तो यू हैव टू गो थ्रू बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, कि फर्स्ट आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े एक दफा, और अब ये देखेंगे यहाँ पर उन्होंने एक्स को क्यों मल्टीप्लाई कराया। यहाँ पे मेरा आंसर क्या है कि भाई दो एक जैसे आंसर्स आ रहे हैं, सेम प्रॉब्लम था और दो एक जैसे आंसर्स आ रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, एक चीज को दूसरी चीज से बायफर्केट करने के लिए यू मल्टीप्लाइड एन एडिशनल एक्स, उसको अलग शो करने के लिए। नाउ यू सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज अगेन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड हाउ दे सॉल्व दिस इक्वेशन। उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसको, उसके दो रूट्स आ गए। अब जो दो रूट्स आ रहे थे वो रिपीटेड रूट्स हैं, e टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2, e टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2। उन्होंने क्या किया, एक अदद x को मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि दो एक जैसे आंसर आ रहे हैं, तो दे मल्टीप्लाइड इट विद x, राइट, c1 e टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2x प्लस c2 x e टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2x, राइट। See the example. सर एक बात पूछनी थी। यस प्लीज। सर हमें ये जनरल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन क्या जनरल इक्वेशन बनाना है या फिर सॉल्व हो गया अभी? नहीं नहीं हो गया ना सॉल्व भाई, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका कंटेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। अब आपने अगर ये पता करना है कि इसका सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई, ये सॉल्यूशन सही है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसी वाई को उठा के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा दो, देयर इज नथिंग मोर। लेकिन सिर्फ आपको दो केसेस पता चल गए कि भाई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अगर उसमें रूट्स रियल और रिपीटेड हो तो आपको एक अदद एक्स मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, ताकि दो, देखो ना ये दो फंक्शंस एक जैसे बन रहे हैं अब, ये इसका मतलब ये है कि दो दो आंसर आने चाहिए ना एक चीज के, लेकिन दो एक जैसे आंसर आ रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, एक के साथ एक्स मल्टीप्लाई करा दिया, राइट। ओके सर। ओके अच्छा, अब ये आई सजेस्ट के आप लोग इन दो केसेस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब ये क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है। अच्छा वो मेरी बुक शायद किसी के पास हो आप में से, या आपने बुक अरेंज कर ली हो, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग इवनिंग बोथ प्रोग्राम। सीआरएस को मैंने शायद कहा तक, और किसी ने बुक अरेंज भी कर ली थी मैथमेटिकल मेथड्स। सीआर साहबान बताएंगे आप प्लीज? नहीं सर, हमने नहीं अरेंज की।
नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं मॉर्निंग वाली से पूछ रहा हूँ, नोमान साहब से और वो ख्वाला साहबा से। नहीं सर, नहीं हुई थी अरेंज, लाइब्रेरी बंद थी मैथ्स डिपार्टमेंट की। वेरी गुड। अब एक काम करो, ये माशाल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी एफर्ट्स करें, अब मेरे पास बुक जो मेरी अपनी बुक है, या तो मैं आपको मंडे को दे सकता हूँ, मंडे को मैं आपको वो क्वेश्चंस दूंगा जो आपने सॉल्व करने हैं। अगर कर सकते हो अरेंज तो इन इन दो दिनों में कर लो, सैटरडे संडे को, और 10.1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। डिसाइड कीजिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मंडे को अगर मैं दूंगा तो मंडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे को आपको सबमिशन करनी है इसकी। सर बुक कौन सी है? मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल मेथड। सर क्वेश्चन कितने? यार क्वेश्चन सिर्फ 20 सवाल करने हैं शुरू के, मगर कौन से क्वेश्चन? वो क्वेश्चन जिनके अंदर आपकी जो रूट्स हैं वो रियल और रिपीटेड है या रियल और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो रिड्यूसिबल ही नहीं होती, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी, ये तो बहुत आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे ना जो रिड्यूस हो गई, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो रिड्यूस हो सकती हैं, जस्ट 5%। आप अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करने बैठेंगे तो जो किताब में इक्वेशंस दी होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जो आराम से रिड्यूसेबल होती हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये वाली, ये परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक? अगर मैं 9 की जगह पे 8 भी लिख दूं तो भी ये रिड्यूसेबल नहीं रहेगी, ये रिड्यूसेबल बन जाएगी। यानी अगर मैं इस 9 की जगह पे 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, 6 लिखूं, 7 लिखूं, 8 लिखूं, ये रिड्यूसेबल है। ओनली 9 इज गेटिंग अ कॉम्बिनेशन विद 4 एंड 12 सो एज टू मेक द इक्वेशन रिड्यूसेबल। ऐसे ही होता है ना? आपके पास बहुत कम चांस ऐसा होता है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूसेबल हो, और बहुत ज्यादा दफा ये चांस होता है कि वो इरिड्यूसेबल हो। अगर किसी शख्स को बोलो ना कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे, कोई भी लिख दे, तो 95 आउट ऑफ 100 टाइम्स वो एक इरिड्यूसेबल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेगा, बिकॉज उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार मिडिल टर्म ब्रेक होता है या परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। तो वी हैव बल्क क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म के वो इसको जो है वो क्या करता है, रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक? अच्छा, अब आपने क्या करना है, 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? और आपने इनके आंसर्स वेरीफाई करने हैं फ्रॉम द बुक, ठीक है? मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दे देता। अच्छा, इसके क्वेश्चंस आपको कहाँ मिल जाएंगे? ज़िल में से मिल जाएंगे, ज़िल में से। इस वक्त किसी के पास ज़िल की बुक पड़ी हुई है, सॉफ्ट कॉपी? जी सर है तो। ज़िल की बुक में से इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। ज़िल का चैप्टर नंबर 3 है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है? एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये पेपर में बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। और आई सजेस्ट कि आप वीक में एक ऑनलाइन क्लास जरूर रखा कीजिए, उसका फायदा ये होगा कि हेलो गेटिंग द पॉइंट, कि वीक में एक ऑनलाइन क्लास अगर आप रखेंगे तो एग्जाम पे पहुंचने तक आपके जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं या जितनी भी टाइप्स हैं वो आप कर लेंगे। मेरे पास बुक नहीं है तो आप लोग अपने ज़िल की बुक से इनके क्वेश्चंस देखें, और मंडे को मुझे आप लोग रिमाइंड कराएंगे आपके सीआरस कि मुझे आपको 10.1 के क्वेश्चंस देने हैं। आई विल इंक्लूड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो सर, कोई भी नहीं है सर, फिलहाल तो नहीं है, जब करने बैठेंगे फिर हो जाएगा। सर पेपर 100 मार्क्स के लगाओ। यार वो बाद में बताऊंगा पेपर कितने मार्क्स के होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, फिलहाल जो बता रहा हूँ ना वो पढ़ते रहो बस। अच्छा सर, आखिर में कुछ वो बता दिया इम्पोर्टेंट बता दिया आप? जी मैं पूरा पेपर ही बता दूंगा आपको बड़े भाई, इम्पोर्टेंट क्या पूछ रहे हो सर? ज़िल का चैप्टर 4 है मैंने, नहीं 10 चैप्टर है।
सॉरी हाँ दिल का चैप्टर नंबर 4 है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सर उसका पहली एक्सरसाइज करनी है ना 4.1 असल में मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है इस वक्त इस फॉर्म में ना इस वेरिएंट में तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो मंडे को ही बता सकता हूँ हाँ लेकिन ये कंफर्म है कि 10.1 मैथमेटिकल मेथड्स का है आप मुझे अगर कोई एक क्वेश्चन बता दो तो मैं आपको आई कैन टेल यू ये जो साहब बात कर रहे हैं जी सर 4.1 में दी हुई है नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस ठीक है इक्वेशंस इसका स्क्रीनशॉट ले जरा और अपने सीआर को सेंड कर दें सर ये असाइनमेंट है सर असाइनमेंट वाली कॉपी अरे भाई असाइनमेंट नहीं है यार सवाल दे रहा हूँ सिर्फ अभी कोई असाइनमेंट नहीं है अभी सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सीआर को दें सर मैंने बुक सेंड कर दी है क्लास में आपको बुक सेंड कर दूं सर मैं हाँ कौन बात कर रहा है सर नुमान नुमान मुझे बुक सेंड कर दो बिल्कुल तो सर इसे असाइनमेंट की तरह नहीं करना जिसने हमने लास्ट किए हुए एक्सरसाइज जो की है यस कम अगेन जी कम अगेन आवाज नहीं आई आपकी दोबारा बोलें बोल रहा था कि इसे असाइनमेंट की तरह नहीं करना है सिर्फ प्रैक्टिस करें क्योंकि लास्ट आप देते हो असाइनमेंट के जी जी असाइनमेंट मैं आपको मंडे को दूंगा जब मैं आपको खुद से पिक्चर लेके बिल्कुल जिस तरह से आपके सीआर को सेंड करता हूँ ना आई डोंट वॉन्ट कि आप अननेसेसरीली जो है काम पे लगे रहें मैं आपको खुद मंडे वाले दिन आपके सीआर को मैथमेटिकल मेथड्स के क्वेश्चंस दूंगा विद आंसर्स जैसे हमने पहले दिए थे आपको ठीक है सही है तो जिल अभी वाला असाइनमेंट नहीं है नहीं जिल वाला असाइनमेंट नहीं है बट ये कि अगर ये सीआर अगर मुझे भेज देता है ना जी ये मुझे किसने भेजा है अभी 10.1 ये 10.1 के सॉल्यूशंस भेज दिए मुझे किसी ने भाई मुझे बुक चाहिए सॉल्यूशंस नहीं चाहिए ये सीआर साहब सॉल्यूशंस विल नॉट हेल्प यू सर बुक नहीं मिल रही बुक नहीं मिल रही आप रहने दे बुक को और ये जो आप मुझसे शेयर कर रही है ना ये आप किसी से भी शेयर मत कीजिए बैठे बिठाए सब फेल हो जाएंगे क्योंकि ये सॉल्यूशंस देखते रहेंगे और एग्जाम में फिर जो है मसला होगा सबको लेट देम डू द वर्क ठीक है आपने क्या करना है मैं मंडे वाले दिन आपको मैथमेटिकल मेथड्स के क्वेश्चंस दूंगा अभी अभी तक कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें सॉल्व करने के लिए के हवाले से और ये इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा अभी आपके सियाज को इसकी पूरे लेक्चर की सर बर्नौली इक्वेशन में मसला हो रहा है बर्नौली इक्वेशन में मसला हो रहा है तो एक काम कीजिए अगर आप लोग क्लस्टर्स में आ सकते हैं या जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो मंडे को मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आ जाए सही सर ठीक है क्योंकि मुझे टाइम वही ऑफिस टाइमिंग 9 to 1 ओके सर ठीक है कभी ऑनलाइन सेशन नहीं रख ले ना यार भाई मेरा गला मेरी तबीयत वैसी सही नहीं रहती यार पता नहीं क्या चल रहा है आजकल वायरल तो वो बोल ले अब इतना ऊंचा बोलते रहो और जो है वो ऑनलाइन में ये भी नहीं होता कि कोई असर्टिवनेस भी आ रही है या नहीं इसलिए ये है कि अगर किसी को पुराने लेक्चर में मसला है तो वो मुझसे यूनिवर्सिटी में आके पूछ ले कोई भी सर आप मंडे टू फ्राइडे होंगे पांचों दिन होंगे जी जी बिल्कुल होगा ठीक है मैं रोज होता हूँ ऑफिस में ठीक है ओके एनीथिंग एल्स नो सर इजाजत यस थैंक यू अल्लाह हाफिज सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा जी मैं आपके सीआरएस के साथ करता हूँ Okay, bye.